हजारीबाग झारखंड का स्टडी हब के नाम से जाना जाता है, जहां आसपास के जिलों के छात्र छात्राएं पढ़ाई करने के लिए बाहर से हजारीबाग पहुंचते हैं। यहां विभिन्न तरह की कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, जहां लाखों की संख्या में विद्यार्थी तैयारी करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की नियोजन नीति पर फैसला आने के बाद विद्यार्थी काफी मायूस है एवं झारखंड सरकार से काफी आक्रोशित है, जिसको लेकर उन्होंने आज हजारीबाग सेंट कोलंबस ग्राउंड से हजारों की संख्या में विशाल रैली का आयोजन किया, जो पूरे हजारीबाग में घूमते हुए झंडा चौक पर जाकर संपन्न हुआ। उनकी मांग है कि झारखंड सरकार एक संवैधानिक नियोजन नीति 15 दिन के अंदर बनाए। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार अभी तक के छात्रों के हित में कुछ नहीं कर पाई है। वहीं शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इस पर भी उन्हें अब भरोसा नहीं रह गया है। नीति को अभी रद्द किया गया है। हम चाहते हैं कि एक महीना 15 दिन के अंदर में ही नया नियोजन नीति लाया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं को ठगना बंद करे हेमंत सरकार, और अगर नहीं हो रहा है उनसे तो अपना इस्तीफा तैयार रखे, इस्तीफा दे जनता को। हम लोग को उनका सरकार नहीं चाहिए, जो रोजगार के बलबूते पे रोजगार बोल करके आया था सरकार में, आज वही नेता हम लोग स्टूडेंट्स को रोजगार ही छीन रहा है, तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। वही कहना है।